दिल्ली NCR में शादियों में चोरी करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मध्य प्रदेश से लाए जाते थे चोर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। वेटर से लेकर दूसरे ड्रेस पहनकर बारात में घुल मिल जाते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक गैंग के 4 लोग पकड़े हैं जो बैंड बाजा बारात के नाम से जाने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कड़िया और गुलकशी गांव के हैं। ये अपने गांव से दूसरे के परिवार के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल होती थी, जो बैंक्वेट हॉल में शादियों के दौरान बैग या लेडीज पर्स उड़ा लेते थे और इसे अंजाम देने के लिए पूरा गैंग बारात घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक फैले रहते थे। इसमें परिवार के लोग समेत कई अलग अलग किरदार को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बहुत ही एक यूनिक तरीका है, बैंड बाजा बारात के हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसका जो सरगना है, जो हेड है, वो उसका नाम है राजू राजकुमार, और साथ में हमने मोहित पकड़ा है, सुमित पकड़ा है और करण को पकड़ा है। और इनके पास से हमारे को 5 तो मोबाइल फोन मिले हैं और 13 सिम कार्ड मिले हैं जो फेक आइडेंटिटी पे यूज हुए हैं। और पूछताछ करने पर, और हम लोगों ने केसेस पे काम भी कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये काफी वारदातों में शामिल रहे हैं। कुछ CCTV फुटेजेस हमारे को मिले हैं। हिसार में एक अभी रिसेंटली इसी तरह की वारदात हुई थी, उससे ये कनेक्ट भी हो गए हैं। साथ साथ अलीपुर के 2 केस, अलीपुर में हम सभी जानते हैं कि वहां पर शादियां होती हैं, बैंक्वेट गार्डन्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहां पर ये लोग अपना क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे। और साथ में मैदानगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है, वहां भी इस तरह के केस दर्ज हैं, वहां भी बैंक्वेट हॉल्स हैं और बैंक्वेट गार्डन्स हैं, तो वहां भी एक केस कनेक्ट हो चुका है। अब तक हम लोग 4 केस कनेक्ट कर चुके हैं और पूछताछ जारी है। इनका एक और मोडस ऑपरेंडी है कि ये जो 4 लोग हैं या इनके जितने साथी हैं, वो सभी उसी जगह से ही आते हैं, और ये लोग जब अरेस्ट होते हैं, उसके जब बेल मिलती है, तो दोबारा कभी टर्न अप नहीं होते, कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते, और सभी के सभी PO डिक्लेयर हो जाते हैं।